अननेचुरली थी, डेथ हो गई, और इसके वजह से उनकी फैमिली बहुत सारी डिस्टर्ब हो गई कि इस केस में कुछ हो नहीं रहा है। इसके वजह से मुझे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही और लोगों भी स्ट्रेस लेंगे तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं तनवीर इसरार, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा इससे पहले हमने सेम न्यूज़ का जो फर्स्ट पार्ट है कवर किया था, जहाँ पे हमने एस्केलेशन किया था कि किस तरीके से ये अलग टाइप का फ्रॉड जो है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे चल रहा है। तो हमारे साथ में है जो मुकीत भाई, जो इसको एक्टिवली हैंडल कर रहे हैं, और इन्होंने 3 से 4 महीने की ये लड़ाई है और अब कुछ सही रास्ते पे चल रही है लड़ाई। जो लीगल बैटल है, हमारे भाई की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। हमारे जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आप तक पूरी स्टार्ट टू एंड पूरी एक कवरेज बताएंगे। हमारे साथ है मुकीब भाई, जो इस लड़ाई को बहुत अच्छे से और एक्टिवली फाइट कर रहे हैं। तो हम देखना चाहेंगे अभी क्या स्टेटस है ये फाइट का, जो 4 से 6 महीने में चल रही है, जो लीगल बैटल चल रहा है। मुकीब भाई, कुछ हमें बताइए किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, कैसा चल रहा है आपका केस? पहले तो शुक्रिया, आपके माध्यम से मैं लोगों में यह अवेयरनेस बताने का मौका मिला, जिसकी वजह से जिसके साथ फ्रॉड होने वाले थे बहुत सारे लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बच गए, और जिनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर ये फ्रॉड हुआ, हम 3 महीने से ये कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे थे कंप्लेंस के कि इस तरीके से जो फ्रॉड हुआ है, एक्चुअल उनको विक्टिम्स कल्प्रिट को सज़ा मिलनी चाहिए। फाइनली इस मंथ हमारा FIR हो गया है, जो कि सेक्शन लगाया है 420, 409, 406 और 34। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का फ्रॉड हुआ था, कि जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि ये पूरा जो चेन सिस्टम है मनी ट्रांसफ़र का किस तरीके से वर्क करता है, और ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, मेरे साथ ये हमारे भाई और भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सेम फील्ड से हैं और सेम फ्रॉड उन्हीं के साथ हुआ है। तो ये सबकी एक्चुअल मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। पर इसको आपने अकेले आगे बढ़कर सबको एक साथ लाया, तो उस बारे में यूनिटी का कुछ फ़ायदा हुआ आपको, कि एक साथ जाने से और अकेले जाने से पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ फ़र्क पड़ता है? जी ऑफकोर्स पड़ता है, अकेले लड़ाई करने में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा जाता है, फॉलोअप अकेला बंदा ले नहीं पाता है, कभी कभी टाइम का कंज्यूमिंग रहता है। बट यूनिटी के साथ काम करने से ये होता है कि सेपरेट सेपरेट काम बांट सकते हैं, और ये उसी का नतीजा है जो आज ये 3 महीने में हमारा मेहनत रंग लाई है। ये पूरी यूनिटी और पूरी टीम वर्क है, ये इसके वजह से आज ये FIR हुआ है। बट मेरा प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज ये जो FIR हुआ है, ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था जब ये एक्यूज़ मुंबई में थे, लेकिन आज ये एक्यूज़ मुंबई से बाहर चले गए हैं, जिसके वजह से आज पुलिस को कुछ हार्ड वर्क, हार्ड डिसीजंस, हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे उनको ढूंढने के लिए, मेहनत करने के लिए। लेकिन जब मैं बता रहा था तब पुलिस ने उस चीज़ को इनिशिएटिव नहीं लिया, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। एग्जैक्टली, जब 4 महीने से FIR नहीं हो रहा है तो उसका सामने वाले को एडवांटेज मिलता है अपना डिफेंस बनाने के लिए। दूसरा, मैं जहाँ तक जानता हूँ, हर पुलिस वाला नहीं, मुमरा के जो खास करके पुलिस हमारा डिपार्टमेंट है, एक तबका है जो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, पर एक तबका है जो टेक्निकली उतना साउंड नहीं है। ऐसे टेक्निकल टेस्ट, जो टेक्निकल जो FIR या डील की इन्वेस्टिगेशन होती है वो करने के लिए, तो मुमरा में आपको ऐसा लगता है कि आपका केस उस वजह से रुका, या टेक्निकलिटी, साइबर क्राइम का जो एक होता है, जो साइबर क्राइम में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका हैंडल करने का एक अलग तरीका होता है, वो थोड़े IT से एक्टिव होते हैं, तो इनका जो मुमरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको कुछ दिक्कतें आई क्या? आपने पूरा केस सॉल्व किया उनको हेल्प करके, कैसा बड़ा ये मैटर आके? ये बात तो बिल्कुल वाजिब है कि फैक्ट्स टेक्निकली इतने अवेयर नहीं है। वो एक्चुअल जो मेरा केस भी है वो फाइनेंशियली क्राइम है, कोई लाइफ क्राइम नहीं था जो कि पुलिस को समझ में आए। तो फाइनेंशियली क्राइम में अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस एक्चुअल कन्वे होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें टेक्निकली होती है जिनकी वजह से पुलिस को एक्चुअल जब वो कन्वे नहीं होते तो वो सिविल मैटर करके रिजेक्ट कर देते। किस तरीके से मदद की आपने, कुछ मदद की उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए? उनको मैंने मदद किया, सारी टेक्निकल चीज़ें उनको मैंने बताई, उनको मैंने खुल के टेक्निकल चीज़ें थोड़ा खुल के बताएंगे, ताकि जो ऐसे मामले जो होते हैं, मैं चाहता हूँ कि दूसरों तक भी पहुँचे और अवेयरनेस बढ़े कि क्या टेक्निकलिटी आपने बताई। जैसे कि मैंने उनको टेक्निकली चीज़ें ये बताई कि जो हमारा बिजनेस है
वो कोई कंज्यूमर फॉर्म में आता नहीं है। पहले तो पुलिस ने बोला कि आप कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर्स हैं। तो जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो 409 और बैंकिंग सेक्टर्स में आता है, क्योंकि हम बैंक का काम कर रहे हैं, ठीक है। 420 जो फ्रॉड होता है और 406 जो कॉमन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन ने किसी ने फ्रॉड किया है। तो इस तरीके से जब हमने एविडेंस उनको प्रूफ किया कि सर हम कंज्यूमर नहीं है, हम रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हमारा जो काम करने का था वो कोई प्रॉफिट या मार्जिन या इन्वेस्टमेंट वाला नहीं था। ज़्यादातर केस इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि कंपनी या कोई बंदा पैसा डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करता है, तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी कभी कभी पुलिस को समझ में नहीं आता है। बट यहाँ ऐसा कोई पिक्चर थी नहीं, यहाँ बिजनेस पर्पस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर पैसा काम करता था, जो उसका मार्जिन था वो उसको मिलता था, और डिस्ट्रीब्यूटर डिपॉजिट करता था। उसके साथ चीट हुआ कि रातों रात कंपनी ने COVID-19 का बेनिफिट उठाया और रातों रात भाग गई। उसके बाद मैंने कंपनी की सारी उनको हिस्ट्री बैलेंस शीट बताया कि कंपनी ने किस तरीके से चीट किया है, तो वो सारे एविडेंस मैंने उनको प्रोड्यूस किया, टेक्निकल चीज़ें उनको समझाई, तब जाके उनको समझ में आया कि ये पूरा चेन वर्क इस तरीके से काम करता है। तो सिर्फ हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी लैब्स फ़ायदा नहीं उठा रहे, कॉरपोरेट सेक्टर भी फ़ायदा उठा रहे इस COVID-19 का। मेरा एक और सवाल है कि ये जो फ्रॉड है यूनिक है, जैसे KGN का हो गया था मुमरा में, उसका भी कोई केस का प्रोग्रेस दिखता नहीं है, तो ये फ्रॉड को आप किस तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, ऐसी चीज़ों में ना पड़े या वो KGN जैसी चीज़ों में ना पड़े, कुछ मैसेज, क्योंकि आप ये फाइनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि लोग ये चीज़ अगर है तो डॉजी है, इस पर आप आगे मत बढ़ो, पैसे मत लगाओ, या है ना कुछ आपकी तरफ से सलाह जो लोगों को आगे फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड से रोक सके? मैं मशवरा यही देना चाहूँगा लोगों को, नहीं जो हमारे पार्टनर चैनल पार्टनर हैं, जो मार्केट में मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है या जो बैंकिंग सेक्टर से काम से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं, तो वो KGN जो मुमरा में आपने जिक्र किया, वो KGN ऐसा था कि लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे और उसको प्रॉफिट मिलता था। ये जो हमारा केस है वो कोई प्रॉफिट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये हम कैसे हैं कि हम बिजनेस करते थे और ट्रेडिंग था हमारा काम, कि सर्विस प्रोवाइड करना है टू द चैनल पार्टनर, कस्टमर और रिटेलर को। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं था कि आप पैसा 2 साल रखो, 3 साल रखो या 1 साल रखो। यहाँ सुबह पैसा डालता था और शाम में पूरा पैसा रिटर्न आ जाता था, क्योंकि ये मनी ट्रांसफर का कट एंड पे वाला बिजनेस था। तो मैं अभी मेरे चैनल पार्टनर और रिटेलर्स जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी इस तरीके आपके पास मनी ट्रांसफ़र का पोर्टल या बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विस लाता है, तो आप पूरी जानकारी लीजिए कंपनी की, और कंपनी कितने साल पुरानी है उसका पूरा बैलेंस शीट चेक कीजिए, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कीजिए, और उसकी फाइनेंस कैपेबिलिटी चेक कीजिए कि वो कितना है। अगर कल के दिन अगर उसका लॉस होता है, कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी में जाती है, तो वो कैपेबल है आपका पैसा देने के लिए रिटर्न ऑफ में, ये ज़रूर देखें। क्योंकि ऐसे ना देखते हुए ही हमारे छोटे व्यापारी चैनल पार्टनर बेचारे फंस जाते हैं, अपना ही पैसा लगा के पुलिस स्टेशन के धक्के, कोर्ट के धक्के खाते रहते हैं। तो मेरा यही अपील है कि वो आगे से इस बात का ख्याल रखें। और मेरा एक और सवाल है कि ऑब्वियसली जब आपकी FIR रजिस्टर हुई, जैसा आपने कहा, तो जब FIR रजिस्टर होती है तो ये छोटे लोग तो हो गए नहीं जो कंपनी चला रहे, तो कुछ धमकी वगैरह कुछ ऐसा आया आपको? मुझे एक्चुअल अभी रिसेंटली कॉल आया है एक दिन पहले, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्होंने पता नहीं शायद मेरा न्यूज़ देखा है या पता नहीं, या उनको इंटीमेशन हुआ है वो, तो मुझे पर्सनली एक दिन पहले उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मुझे मतलब बोला कि सर आपका पैसा आप ले लो और मैटर को क्लोज करो। तो इस तरीके से वो डायरेक्टर लोग अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक चीज़ों को हैंडल करते हैं, कि जब तक हम इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे तब तक तो उन्होंने सुना नहीं, आज जब शायद उनको पता चला होगा कि FIR हो गया है तो वो मुझे सेटल करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ और भी चैनल पार्टनर 20 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बेचारे जो छोटे पार्टनर्स हैं जो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए, मेरे साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सब का भी वो पैसा रिलीज़ करें, तो ही मैटर को शट डाउन किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो फिर कानूनी कार्रवाई है वो तो एज पर पेक्स चलते रहे। मैं आपका जब केस स्टडी कर रहा था तब मैंने देखा कि कंपनी का नाम में कुछ शफलिंग है, या सिस्टर सब्सिडियरी कंपनी है, या क्या है ये, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, क्या आप क्लियर करेंगे कंपनी ने कैसे फ्रॉड किया?
एक्चुअल सिटी मनी जिसके नाम पे कंप्लेन इशू हुआ है, वो सिटी मनी एक्चुअल एक ब्रांड है, जैसे आपने सुना होगा फोन पे या पेटीएम। तो इनकी जो एक्चुअल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो नाम रजिस्टर होता है वो वन इंडिया, जैसे वन इंडिया 97 है पेटीएम का, और फोन पे का फोन पे मोबाइल डॉट इन है, ठीक है। इसी तरीके से सिटी मनी जो ब्रांड है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नाम है NHP टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक और अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराते थे जिसका नाम था लिव इन फिनटेक। तो लिव इन फिनटेक इन्होंने बोला था हमारी ही कंपनी है, अच्छा। इसमें पैसा डिपॉजिट कराते थे, लेकिन जब अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट स्टार्ट हुआ तो हमें पता चल रहा है कि लिव इन फिनटेक जो कंपनी है वो किसी थर्ड पर्सन की कंपनी है, जो कि इलीगल तरीके से ये पैसा डिपॉजिट करते थे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में आता है कि आप किसी का भी पैसा लेके किसी को भी यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से नाम का जो इशू हुआ है ये इस तरीके से चैन सिस्टम से इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में पता चला। तो इन्वेस्ट अभी क्या हुआ, कुछ इम्पैक्ट है FIR का आपके, आपको ऐसा लग रहा है कुछ इम्पैक्ट हुआ, कुछ रिकवरी होने का चांसेस है? अभी तक तो सर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो इन्वेस्टिगेशन ऑन ट्रैक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटरों का स्टेटमेंट हो गया है, जिस तरीके से मेरे पास ये FIR कॉपी है, और FIR कॉपी होने के बावजूद अभी दो लोगों का स्टेटमेंट बाकी है, बट रिकवरी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, रिकवरी बाकी है। COVID-19 के चलते केस को डिले किया गया है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सर और डिले करेंगे तो शायद वो आज दिल्ली में है, दिल्ली से कहीं और आगे निकल गए तो फिर शायद वो अक्यूज हमारे हाथ में नहीं आएंगे। ओके, इंटरनेशनल वगैरह चालू होगी, फ्लाइट से दुबई वगैरह ना तो चले जाए, आप ये बोलना चाहते हैं? ओके, मैंने एक और चीज़ सुना कि बहुत दुख हुआ मुझे उस सुनते वक्त, कि आप में से एक ही एक जो साथी है आपका वो अननेचुरल डेथ बोल सकते हैं, तो टाइम के पहले डेथ हो गई उनकी, यही फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्या ये सच बात है मुकेश भाई? जी ये सच बात है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं इम्तियाज़ शेख, जो कि कल्याण में रहते थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस करते थे। जब ये कंप्लेन हमने किया था तो उनका स्टेटमेंट हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस लेने की वजह से, उनको कर्जे वाले परेशान करने की वजह से उनकी अननेचुरली थी डेथ हो गई, और इसके वजह से उनकी फैमिली बहुत सारी डिस्टर्ब हो गई कि इस केस में कुछ हो नहीं रहा है। इसके वजह से मुझे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही और लोगों भी स्ट्रेस लेंगे तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। हमारे साथ एक और डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका नाम अफजल है, वो भी इस फ्रॉड के विक्टिम है। तो अफजल भाई, क्या अमाउंट है आपकी इसमें, कितनी हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल है पर आप अमाउंट बता सकते हैं तो आप बता। अप्रोक्सीमेट 3 लाख अमाउंट है। ओके, और मैं पिछले एक साल से ये कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, बट अभी ये लॉकडाउन जैसे हुआ कंपनी ने पूरा सर्विस बंद कर दिया। और तो अभी जो मुकीब भाई जो इस चीज़ को जो आगे ले जा रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे? आप लोग ऐसा सोचे थे कि गया पैसा, जाने दो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लॉकडाउन के दौरान तो लोग घर के बाहर भी नहीं निकल रहे, तो क्या कहना चाहेंगे मुकीब भाई के बारे में? अभी तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा पैसा मिलेगा, पर मुकीब भाई ने थोड़ा हमारा हौसला बढ़ाया है, तो हम भी मुकीब भाई के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो भी स्टेटमेंट वगैरह होता है तो हम साथ में जाते होते हैं, और आप लोगों की वजह से फिर थोड़ा बहुत। कितना टाइम लगेगा ऐसा लगता है आपको, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन है केस कब तक क्लोज हो सकता है पैसे का, या येस और नो मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक आपको ऐसा लगता है ये केस का? अभी लॉकडाउन है तो कुछ बोल नहीं सकते, FIR होने में ही 4 महीना लग गया है, तो अभी हम भी यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा पैसा मिल जाए और हम अपना दूसरा कुछ काम करें, उससे कुछ इनकम अर्न करें। ओके, शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान लोग परेशान हैं, और पुलिस जो है काफ़ी स्लो काम कर रही है। ऑब्वियसली लॉकडाउन के दौरान पुलिस कोरोना वायरस से जो रोड पर जो नाकाबंदी है यहाँ वहाँ पर बिजी है, पर इस तरीके के फ्रॉड जब होते हैं तो पुलिस को इसे भी एक वायरस जैसे ही देखना चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आकर बंदा फाइनेंशियली जब डिस्टर्ब होता है तो फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी कर सकता है, तो पुलिस का बहुत अहम रोल है। अगर ये चीज़ें अगर डिले की गई तो आज लोग जो फ्रॉडस्टर है जो दिल्ली पहुंचे हैं वो दुबई वगैरह जाने के काफ़ी चांसेस है जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स वापस से शुरू होगी। मैं हमारे जो पुलिस इंचार्ज है, जो एक केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उनको मैं खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये रोज़गार लगाते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं। अगर आप इसे डिले करेंगे तो आप 1-20 लोग को नहीं, इनकी पूरी चेन को डिस्टर्ब कर
कर रहे हैं। तो मेरी पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि इसमें प्रायोरिटी पे केस को हैंडल करें। जज्बा न्यूज़ से जुड़े रहिए, इसी तरीके की वीडियोस, न्यूज़ स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।